नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी भाई? आज बात करेंगे उनकी जो केवल और केवल वर्दी के दीवाने हैं, जो राजस्थान पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं, केवल और केवल अपने कंधे पे जो है, अपने बाजू पे अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे साथियों। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो आपको भी खुशखबरी मिल ही गई होगी कि अपनी पुलिस मुख्यालय ने, जो भर्ती पदोन्नति बोर्ड ने, उसने सारी यूनिट से, अपने जितनी भी यूनिट है, चाहे वो सीआईडी आईबी दूरसंचार, सीआईडी सीबी या अन्य जिला यूनिट है, उन सब से सूचना मांग ली है कि आपकी यूनिट में कितनी पोस्टें खाली है और किस किस पोस्ट के लिए खाली है। तो उनकी सारी की सारी सूचनाएं हैं, वो हमें 3 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, तो अब 3 दिन के अंदर अंदर जो है, सारी सब यूनिट है जो भर्ती पदोन्नति बोर्ड के पास अपनी अपनी सूचनाएं और रिक्वायरमेंट भेज देगी। ठीक है, इसके बाद आज तक जब भी ये लेटर आया है, उसके मान के चलिए महीने या डेढ़ महीने में, ठीक है, डेढ़ महीने का वक्त आप मान लीजिए, डेढ़ महीने के अंदर अंदर, 30-40 दिन के अंदर अंदर नया जो नोटिफिकेशन है, भर्ती की नई विज्ञप्ति है जो जारी हो जाती है। अब तक यही होता है और यही आगे होगा। और आपको पता है कि सीईटी का रिजल्ट भी आ गया है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है जो सीईटी के अंदर है। ठीक है, तो सीईटी के अंदर होने के बाद अब इसकी भर्ती आना कन्फर्म है, बिल्कुल लाजमी है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि भर्ती के फॉर्म कब तक चालू हो जाएंगे और एग्जाम कब तक होंगे। मान के चलिए साथियों कि इस लेटर को हम आधार माने तो सितंबर के लगभग, ठीक है, इसी साल सितंबर के लगभग इसकी विज्ञप्ति है जो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सितंबर के लगभग इसके विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी और दिसंबर या जनवरी में। अब आप इसमें कहोगे कि दिसंबर और जनवरी में चुनाव होंगे, तो चुनाव से पेपर होने में कोई लेना देना नहीं है भाई, वो अलग चीज है और ये पेपर होना अलग काम है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिसंबर या और जनवरी में राजस्थान पुलिस की नई भर्ती जो 2023-24 कहलाएगी, उसके पेपर हो जाएंगे। अब मेन बात करते हैं साथियों, क्योंकि इस भर्ती में कौन नौकरी लगेगा और कौन नौकरी नहीं लगेगा। केवल और केवल मेहनत करने वाले, क्योंकि इसमें बड़ी भर्ती होगी, कम से कम 8,000 पोस्ट है आप मान के चलिए। इसमें नए जिले भी बने हैं और पुलिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। राजस्थान में सबसे कम, यदि अपने तुलनात्मक करें तो जितने भी स्टेट है, सबसे कम राजस्थान में पुलिस वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करवाना चाहती है, तो 8,000 की तो कन्फर्म भर्ती होगी। ठीक है, इसके लिए अभी से लग जाओ। ये नहीं हो कि आप विज्ञप्ति आए और फिर पूर्व पांडे लेके अपने पास में जाए, रूम ले और फिर लगे। तो जो नोटिफिकेशन आने के बाद, जो विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी में लगता है ना, उसके बहुत कम चांस होते हैं। और जो ऑलरेडी जिसको 6-7 महीने लग जाते हैं, या जो पहले ही तैयार रहता है अपने अस्त्र शस्त्र लेके, तो उसके भर्ती में लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। चांस क्या होते हैं? कन्फर्म ही होते हैं। ठीक है, तो जो पिछली बार की भर्ती में फाइनल कट ऑफ में रहे हैं, 1 नंबर से 1.5 नंबर से, उनको तो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए बहुत तगड़े तरीके से। उन्हें अपने आप में जो थोड़ी बहुत कमी है, उसे सुधार के भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो जाना चाहिए, वर्दी पहन लेनी चाहिए। बाकी बात करते हैं साथियों, जो नए साथी है जो राजस्थान पुलिस की भर्ती में, ठीक है, पहली बार में सिलेक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बिना स्ट्रगल किए 1 साल के अंदर अंदर ही हम नौकरी लग जाए, उनके लिए भी खुशखबरी है साथियों। क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है, जो चीज़ भगवान ने हमें बख्शी है, जिस डिपार्टमेंट में जाने का मौका हमें भगवान ने दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे छोटे बहन भाई दूसरे भाइयों को भी मिले। तो जो इसमें एक शर्त है साथियों, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो करावली क्लासेज अजमेर है, उसने नए ऑफलाइन बैच चालू किए हैं 19 तारीख से, इसी मंथ के सोमवार से नए बैच चालू किए, और सीमित सीटें हैं साथियों। इसमें गारंटेड है कि 30 सीट विद्यार्थियों से ज़्यादा, 30 सीटों से ज़्यादा इसमें एडमिशन नहीं होंगे। केवल 30 विद्यार्थियों का ही हम इस एडमिशन लेंगे और इसके बाद कोई बैच चालू नहीं करेंगे, यानी ये प्रथम और आखिरी बैच होगा। इसमें साथियों शर्तें ये है कि इसमें वही विद्यार्थी एंट्री कर सकते हैं जो दिल से मेहनत करना चाहिए, जो दिल से चाहे कि हम इस भर्ती में डू एंड डाइड वाली स्थिति में तैयारी करेंगे। ठीक है, ये 30 विद्यार्थी वो है जिनको हम सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार करेंगे। इसमें ये कोचिंग नहीं है, ये एक बैच है, तो आपको बैच के आधार पर तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपके फिक्स किताबें होगी और जो आपको जो फैकल्टी होगी वो आपको फिक्स बताएगी कि ये मैटर इतने दिनों में रेडी करके आना है, यानी हम पहले ही पूरी रणनीति, पूरा इस पर प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। तो जो चाहता है कि दिल से हम मेहनत कर लेंगे, एक ही भर्ती में नौकरी लाग लुगार पूरा लपड़ो खत्म करवा चाहूँ,
वो तो ही में एडमिशन ले सके। बाकी आप जिनका पिछली बार जो वेटिंग में रह चुके हैं, एक दो नंबर से रह चुके हैं, वो सेल्फ स्टडी में लग जाइए। लेकिन यदि आपके कोई छोटे बहन भाई है जिन्होंने कोई भर्ती का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके कॉन्टेक्ट नंबर आप इसमें दे दिए हुए हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में और लिख दूंगा, उसके आधार पर आप संपर्क करके टीम से जल्दी एडमिशन ले लेना। वहाँ हम मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। 19 तारीख को जय हिंद जय भारत।